आज से हो गई है दीपावली की शुरुआत, तो खुशियाँ मनाइए इस दीपावली में। ये देखिए मेरे हस्बैंड बच्चों के साथ क्रैकर्स क्रैक कर रहे हैं। क्रैकर्स क्या, वो पेंसिल्स हैं। बच्चों को थोड़ा सा इंजॉयमेंट हो जाएगा। और दिए जलने की आज से शुरुआत हो गई है, घरों घर में दिए आज जलाए गए हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त दीपिका फ्रॉम उत्तराखंड। चेहरे में बजे हैं 12, लेकिन 12 से अब 11 बज चुके हैं। पहले तो चेहरे का रंग उड़ा हुआ था तबीयत खराबी की वजह से, लेकिन अब सही है। डिनर टाइम है, खाना बना रहे हैं, कुछ गेस्ट आने वाले हैं। नॉर्मल से हैं इनकी पहचान के, तो उन्होंने कहा आज मंगलवार है तो हम बिना प्याज का खाना खाएंगे, तो बिना प्याज का सिंपल सा खाना बना रहे हैं। तो बस खीरे का रायता बन चुका है, तुरई चढ़ा रखी है, बैंगन की सब्जी बन चुकी है और चुलाई बन रही है। हिमाती को पानी चाहिए था तो इसने मैंने वीडियो ऑफ कर दी थी। खांसी बहुत हो रही है, देखिए मैंने स्विच शर्ट पहन रखी है। मेरे लिए फिलहाल ठंडा मौसम हो गया, जरूरी नहीं डेली हो सकता है कल फिर से मैं स्लीवलेस में आ जाऊँ, लेकिन आज मैंने सुबह से ऐसे ही ड्रेसअप है मेरा। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या बना दिया है। वैसे मैंने बता दिया लेकिन फिर भी दिखा देती हूँ। ये बना है रायता, झरझर पीर मिर्च वाला, और बिना प्याज की तुरई बन रही है। अभी पानी नहीं डाला है, ये देखिए बिना पानी के इसमें कितना पानी हो गया है, यानी अच्छी होगी तुरई, मीठी मीठी सब्जी बनेगी। ये चुलाई थोड़ी थोड़ी बनाई है, एक्चुअली मेरी तो तबीयत ख़राब हो रही है तो मैं कल से खाना नहीं खा रही हूँ। और ये रहा बैंगन, तो ये तीन सब्जियाँ बनी हैं। और इधर ये खीरा काट दिया क्योंकि प्याज तो कटना नहीं है। थोड़ी सी सुबह की कद्दू की सब्जी भी बच गई, वैसे दाल ही बची, लेकिन दाल भैया कहेंगे तो मैं भैया को दे दूंगी, नहीं होगा तो फिर वो ऐसी रखी रहेगी। और ये हरी मिर्च का नमक पीस दिया है और साथ में पनीर मैश कर दिया है। इसमें थोड़ा सा मैंने सब्जी मसाला डाला है किचन किंग, और थोड़ा सा नमक। बच्चे खाएंगे पनीर के पराठे। बस आटा गूंदना रह गया है, गर्व हिमाती खेलने में लगे हुए बाहर। आटा गूंदूंगी, अभी गूंदती हूँ। बस तुरई की सब्जी रह गई, उसने पानी बहुत छोड़ दिया, मैंने थोड़ा तेज फ्लेम कर दिया जिससे कि जल्दी बन जाए। बस आटा गूंथती हूँ। वैसे तो बच्चों के लिए मेरे घर से पहले पराठे ही बना दूंगी, क्योंकि वो लोग जब तक आएंगे फिर खाएंगे, फिर थोड़ा बैठते हैं वो लोग, उसके बाद खाते हैं। और मेरे बच्चों के साथ का सूर चढ़ा हुआ है पनीर के पराठे खाने पर का। परसों ये 1 किलो पनीर ले आए थे। डेली पराठे, ये सुबह पराठे, शाम को पराठे, दिन में पराठे, हर समय पराठे ही खा रहे हैं। मैंने शाही पनीर बनाया लेकिन इन लोगों ने छुआ भी नहीं। लास्ट में भैया ने खाया थोड़ा, मेरी तबीयत गड़बड़ थी, मैंने भी नहीं खाया, लास्ट में मुझे फेंकना पड़ा वो पूरा शाही पनीर। और पराठे खाने में लगे हैं। फिर मैंने आज फिर कहा कि आज पनीर लिया, फिर ये एक पैकेट वो जो मदर डेरी वाला होता है वही लेके आया, मैंने मैश कर लिया जितना खाएंगे। भैया तो उतना पसंद नहीं करते पनीर के पराठे, क्योंकि मेरे बच्चे प्याज भी डालने नहीं देते हैं, खाली पनीर पनीर के वो खाते हैं। तो खिला दूंगी अगर मटेरियल बसता है तो, सुबह भी इन्हें पनीर के पराठे खिला दूंगी। आज छुट्टी थी ईद की और कल वाल्मीकि जयंती की छुट्टी है, तो इसलिए ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लास दोनों ही बंद है। अब देखते हैं परसों डीएम के क्या ऑर्डर आते हैं, क्योंकि कल के ऑर्डर में तो ये था डीएम के बच्चों को स्कूल ना भेजा जाए, तो कल बच्चों की ऑफलाइन क्लास नहीं चली थी, ऑनलाइन क्लास ही चली थी। अब परसों का पता नहीं क्या ऑर्डर आते हैं कि ऑनलाइन क्लास चलती है या ऑफलाइन क्लास चलती है, लेकिन बड़ी परेशानी हो रही है क्योंकि 12:30 बजे तक लगातार चल रही, बीच में थोड़ा बहुत ब्रेक हो रहा है, उसमें मुझे काम भी करना है और उन बच्चों के साथ अटेंड भी करना है, तो मुझे बड़ी परेशानी होती है। तो मुझे तो वही ऑफलाइन क्लास ही अच्छी लगेगी, बच्चे स्कूल जाए और मैं आराम से काम कर सकूँ। 31 को मेरा है लेक्चरर का मेन पेपर, पढ़ाई तो कोई खास नहीं हो रही है, लेकिन देने जाऊँगी, हरिद्वार जाना है, तो 30 को मैं हरिद्वार चली जाऊँगी अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ। वहाँ स्टे करेंगी होटल में, या कोई गेस्ट, मतलब कोई भी हाउस में, किसी घर में तो नहीं, कोई गेस्ट, मतलब गेस्ट हाउस कह रही हूँ, किसी में भी रुक जाएंगे, कहीं भी रुक जाएंगे। और उसके बाद फिर 31 को मैं पेपर दूंगी, और मन हुआ तो मैं जाऊंगी देहरादून अपनी फ्रेंड अपर्णा से मिलने के लिए, अगर वो देहरादून में होगी तो। और 24 को मेरे सास ससुर आ रहे हैं। तो बस मैंने छोटी सी वीडियो बनाई है, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का एंड कर रही हूँ। मैंने कहा थोड़ी सी अपडेट दे देती हूँ अपनी
कि क्या चल रहा है लाइफ में। वीडियो तो मैंने बहुत बना बना के रख रखी है, लेकिन डालती हूँ या नहीं डालती हूँ, क्योंकि जब मैं पढ़ाई करूँगी तो मैं औरों की वीडियो में नहीं जा पाऊँगी, तो कम कोशिश करूँगी, लास्ट में तो मैं कम ही वीडियो डालूँगी, क्योंकि पढ़ना भी है, करियर ज़्यादा ज़रूरी है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एंड बाय बाय। हिमाद्री रह गई थी, उसने कहा मैंने बाय बाय नहीं बोला, तो हिमाद्री से बाय बाय। ये इधर से भी बोल रहा है मेरा लंगू।